हे गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर मोटो ब्लॉगिंग। तो आज का स्वागत है फिर से एक नया ब्लॉग के साथ। तो आज का जो ब्लॉग है, तो आज देखो पीछे मेरा भाई बैठा हुआ है, बहुत दिन के बाद इससे भी मुलाकात हुआ। अभी हम लोग क्लास में जा रहे हैं, कंप्यूटर क्लास में। तो आज आपको दिखाते हैं, चलो तो लेट्स सी आज का कंटेंट क्या बनता है। तो हम लोग को यहाँ पे चाहिए है, ये हम लोग यहाँ पे तारापुर पे ही है, इसको मैं लेने के लिए आया था। तो मैं सोचा आज एक नया ब्लॉग भी बना लेता हूँ, बहुत दिन से बाइक के साथ ब्लॉग नहीं बना रहा था इसलिए। तो गाइस आज का वेदर तो बहुत बढ़िया है, राइड करने के लिए भी मज़ा आ रहा है, इतना ठंडा ठंड भी नहीं है और उतना गर्मी भी नहीं है। ये है सिलचर का तारापुर बीच, सबसे ट्रैफिक ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक होने वाले गेट से यहाँ पे कैसे तो सामने जगह, और यहाँ पे नीचे ही आप लोग का जहाँ से आपको सिलचर का जो रेलवे स्टेशन है वो दिखाई देगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो रेलवे ट्रैक वहाँ पे। सो यहाँ पे रेलवे स्टेशन होने की वजह से यहाँ पे ज़्यादातर इस रोड पर ट्रैफिक रहता है, जो सिलचर से जो मेरे व्यूअर्स है उनको पता होगा। और देख सकते हो गाइस दिस इज ऑल, तो यहाँ पे जिसका डर था वही हो गया काफी। यार ये बड़ा बड़ा गाड़ी यहाँ पे कैसा आ गया ये, अब इसको नहीं आना चाहिए, असल में यहाँ पे नहीं बेचना चाहिए था ये बड़ा बड़ा गाड़ी को। हाँ तो अभी ऑफिस टाइम में तो इसको कम से कम बड़े बड़े को रोक के रखना चाहिए। अभी भाई पीछे अपने गर्लफ्रेंड के साथ बातें कर रहे हैं और मैं इस यहाँ पे थोड़ा इसलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप गलती कर देते हो यहाँ पे थोड़ा ठोक देते हैं, थोड़ा कठिनाई से यहाँ पे ट्रैफिक से इस गाड़ी को निकालते हुए हमारे बाइक को। देख सकते हो गाइस यहाँ पे ऊपर से यहाँ पे बाज़ार के वजह से भी ट्रैफिक, और ऊपर से यहाँ पे ट्रेन के हर समय ये रोड तारापुर का जो ये रोड है ये हर समय यहाँ पे ट्रैफिक रहता है। और ऑफिस टाइमिंग में तो ज़्यादा कम से कम यहाँ पे ये रोड खाली होता है, जब संडे में थोड़ा खाली यहाँ पे कम रहता है ट्रैफिक, क्योंकि ऑफिस टाइम या ऑफिस स्कूल वगैरह बंद रहता है तो कम रहता है, नहीं तो ये हमेशा यहाँ पे ट्रैफिक रहता है। यहाँ पे साइड में देख सकते हो सब्जी बाज़ार सब कुछ, आप ये हमारे सिलचर का सबसे अच्छे से नज़ारा, अच्छी चीज़ यहाँ पे आपको रोड साइड में आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको सब्ज़ी खरीदना तो सब्ज़ी खरीद सकते हो बाइक, और यहाँ पे काफ़ी ताज़ी सब्ज़ी भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे। तो भाई को यहाँ पे थोड़ा बैंक में थोड़ा पैसे डिपॉजिट करना है एटीएम पे, तो हम थोड़ा यहाँ पे रुकते हैं। अच्छा लग रहा है गाइस, हाँ सिलचर में हर किसी के पास अभी गाड़ी है, चाहे बाइक हो, स्कूटी हो, बड़े वाले फोर व्हीलर हो, तो ये जो हर किसी के पास ऐसा लग रहा है ऐसा ट्रैफिक है। ये हमारे सिलचर का रेलवे स्टेशन, यहाँ से हम लोग को लेना है राइट, ये हम लोग पहुँच गए इंडिया क्लब। ये मैडम क्या हुआ यार, हेलमेट तो पहन लो यार, आज देख सकते हो ये मैडम इधर जाने वाला था और गलती से इधर चला गया ट्रैफिक की वजह से। तो हम लोग को यहाँ से लेना है यार, यहीं से जाएंगे, जब भी तो के जाते हैं ना, अभी बाजार की वजह से काफ़ी जाम है। यहाँ पे देख सकते हो ताज़े सब्ज़ी खाओ और शरीर को तंदुरुस्त रखो। हम लोग यहाँ से राइड लेकर जाते हैं, आई होप ये इस रोड में तो जाम ना हो। अरे यार जल्दी जाओ यार।
सामने दे सकते हो गाइस, पप्पा की परी। यार तुमने क्या याद दिला दिया, भाई बोल रहे पप्पा की परी जल्दी जाओ। गाइस जैसे आसाम को मैंने ये जो सम एच एस पास के जो भी एक फीमेल्स कैंडिडेट है उन सबको ये स्कूटी देने के बाद, हाँ गाइस हर कोई लड़की या हर कोई अभी यहाँ पे स्कूटी ले स्कूटी चला पा रहे हैं, ऊपर से अच्छा भी है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है हमारे असम गवर्नमेंट। तो हमारे असम गवर्नमेंट से हमारे बॉयज़ की तरफ से भी रिक्वेस्ट है कि गाइस हमारे साथ ना इंसाफी मत करो, कम से कम हम लोग को एक साइकिल तो दो ना भाई। लड़कियों को अगर स्कूटी दे रहे थे हम लोग को कम से कम बुलेट ना सही एक साइकिल तो देना चाहिए, जो एफोर्ड नहीं कर सकता उन लोग को, उन लोग के लिए तो छोड़ो, अगर बोल भी देता ना मुंह से देंगे तो भाई खुश हो जाता। हाँ गाइस बोल भी तो हम लोग सोचिए, तो जो जो जरूरतमंद जो लोग जो साइकिल भी ऐसा लोग जो लोग साइकिल एफोर्ड नहीं कर सकते उन लोग के लिए गाइस हम लोग को यहाँ से जाना है अंदर, जल्दी से देख दिया। गाइस चलिए फाइनली पहुंच चुका हूँ, तो ये सामने देख सकते हो यहाँ पे पार्किंग का बहुत प्रॉब्लम है, तो ये मुझे यहाँ पे ही रखना पड़ेगा सामने से, तो नहीं तो आवाज में थोड़ा सा लेट होकर आता तो मुझे ये भी पार्किंग नहीं मिलता, ये भाई कहाँ है देखना पड़ेगा। हाँ तो गाइस अभी मैं फाइनली एकेडमी पहुंच चुका हूँ, तो कमेंट करके बताना आज का ब्लॉग कैसा है, वो कैसा रहा, और चलो ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और जल्द ही मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।